साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी गिरिराज सिंह सिसोदिया। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में, और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑटोमोबाइल सर्विस टूल्स। और ये क्लास 10th में है, और ऑटोमोबाइल सर्विस टूल्स में भी एक यूनिट है उसका अलग से, हैंड टूल्स। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हैंड टूल्स क्या होते हैं। जो हैंड टूल्स होते हैं उनको हम हाथ के द्वारा जो प्रयोग करते हैं, ये सिंपल टूल होते हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकता है, और ज़्यादातर वर्कशॉप के अंदर, सर्विस स्टेशन के अंदर टेक्नीशियन इन टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके ये टूल्स जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और जो जनरल यूज़ में आए दिन जो टेक्नीशियन यूज़ करते हैं कार की रिपेयरिंग में, बाइक की रिपेयरिंग में, इन सब चीज़ों में इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फाइल्स, FILES, यानी फाइल्स, वो दूसरी वाली फाइल नहीं, ये जो फाइल है ये जो है कई तरह की होती हैं, और ये किसी भी आर्टिकल के अंदर, किसी भी जॉब के अंदर अगर कोई सरफेस खुरदरा है उसको चिकना, घिसकर चिकना करने के लिए काम में आती है। ये फाइल्स अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे फ्लैट फाइल है, ये बिल्कुल फ्लैट होती हैं, और इनके ऊपर जैसे आपने देखा होगा एमरी पेपर में ऐसे ऐसे ग्रूव से बने होते हैं, जिससे कि हम किसी चीज सरफेस के ऊपर चलाते हैं तो ये उसको आराम से घिस देती है। फिर है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड का मतलब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये आधी फ्लैट होती है और एक साइड में राउंड होती है। इसके बाद है नाइफ एज फाइल। ये इसका जो आगे का सिरा होता है बिल्कुल नुकीला होता है, जैसे आपने देखा है जैसे नाइफ होता है चाकू, उस बिल्कुल उसी तरह से होता है। और अगर किसी भी जॉब को कहीं अंदर की साइड में यूज करना हो तो हम वहां पे इससे घिस सकते हैं। इसके बाद है नीडल फाइल। ये जो नीडल फाइल है, नीडल फाइल का एक पूरा सेट ऑफ नीडल फाइल होता है, इसमें 12 फाइल होती हैं, और इन फाइल्स को ज़्यादातर जो वॉच मेकर होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें छोटी बड़ी सब तरह की राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल, स्क्वायर फाइल, फ्लैट फाइल, ये सब का एक एक पीस होता है। तो जिससे ठीक करने के टाइम पे जब उनको कोई भी चीज़ रिपेयर करनी होती है तो इससे वो घिस करके उस पार्ट्स को आराम से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है मैं आपको बता रहा हूं स्पेनर्स के बारे में। जो स्पेनर्स होते हैं ये किसी भी चीज को, नट बोल्ट को जैसे हमें टाइट करना है तो टाइट करने के काम होते हैं, और ये आमतौर से घर पर भी यूज होते हैं, वर्कशॉप में यूज होते हैं, और कोई भी मैकेनिक है, हर एक मैकेनिक को इसकी आवश्यकता होती है। अब ये जो स्पेनर हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे रिंग स्पेनर। जो रिंग स्पेनर होता है इसमें दोनों साइड में जो बोल्ट को टाइट, नट बोल्ट को टाइट करने का जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल राउंड होता है, रिंग के टाइप का होता है, जिसमें जो 12 खांचे से बने होते हैं। जब हम किसी भी नट को जहां हमें टाइट करना होता है वहां पे हम इसको रिंग स्पेनर के एक एंड को लगा देते हैं तो इस, और दूसरे उससे साइड से पकड़ लेते हैं, पकड़ के टाइट करते हैं, तो इसमें फोर्स अच्छा लगता है और इसमें स्लिप होने का चांस कम रहता है। एक सिंगल एंड स्पेनर आता है, इसमें क्या होता है सिर्फ एक ही, जो एक सिरा बिल्कुल इसका फ्री होता है, और एक सिरे पे रिंग स्पेनर में जिस तरह से एक राउंड सा बना होता है उस तरह का स्पेनर का होल बना होता है,
और उसी में ग्रूव्स कटे होते हैं जो नट को टाइट करने के काम आता है। इसमें डबल एंडेड स्पिनर भी होते हैं, सिंगल एंडेड होते हैं और कुछ सॉकेट स्पिनर होते हैं। जो सॉकेट स्पिनर होते हैं वह जब जैसे मान लो कोई भी नट थोड़ा डेप्थ में लगा हुआ है, तो जहां पे डेप्थ में हम उसको टाइट करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह पे सॉकेट एंड स्पैनर को पहले उसमें लगा के फिट कर देते हैं। और इसका जो दूसरा सिरा होता है उसमें एक आई होल होता है, उसमें एक रॉड डाल के फिर दोनों हाथों से उसको टाइट कर देते हैं, तो इस तरह से। और इसके बाद जो नॉर्मल है, जो रिंचेज जिन्हें बोलते हैं, जो कि दोनों एंड पे ओपन होती हैं, वो आपने जब भी यूज किए करके करने के लिए देखा होगा कि वो उनके जो एंड होते हैं वो थोड़े घूमे हुए होते हैं, यानी उनमें 15 डिग्री का एंगल दिया होता है। वो इसलिए दिया होता है कि जब हम उसको उसे कोई नट या बोल्ट टाइट करते हैं तो फोर्स अच्छा लग जाता है और नट जो है जल्दी स्लिप नहीं मारता, जो कि हम नॉर्मली इनको घरों में यूज करते हैं। और इनके साइज जो हैं, यानी दोनों सिरों के साइज भी अलग अलग होते हैं। एक एक से एक टाइप का नट टाइट करेंगे और दूसरे से दूसरे टाइप का नट टाइट करेंगे। इसके बारे में मैं उस बता रहा हूं आपको टॉर्क रिंच के बारे में। जो टॉर्क रिंच है इसमें जो है, एक्चुअली टॉर्क रिंच का यूज हम वैसे जो हाथ से कोई चीज टाइट करते हैं तो नट बोल्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, कई बार हम इतना लगा देते हैं कि हमारा जो नट है वो स्लिप मार जाता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि इसमें कितना फोर्स चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये टॉर्क रिंच का यूज करेंगे तो उसमें हमें एक टेबल में दिया होता है कि इस साइज के नट के ऊपर सेट करके हमें इतना फोर्स लगाना है। वो केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, केजी न्यूटन मीटर में, दोनों में होता है। तो वो एक टेबल दी होती है, उसमें से देख के हम कहीं पे भी जो असेंबली शॉप होती हैं उनमें ज्यादातर इसका यूज होता है। तो हम पहले उसको सेट कर लेते हैं टॉर्क रेंच को कि उस पर टॉर्क बना होता है, और सेट करने के लिए भी पूरा वो दिया होता है कि इसको ऐसे खींच के हम इसको सेट कर सकते हैं। तो जितने हमें केजी सेंटीमीटर सेट करना है, जितने फोर्स पे हमें वो हम सेट कर लेते हैं, इसके बाद हम उसको टाइट करना चालू कर देते हैं असेंबली के अंदर। उसमें हमें बेनिफिट ये रहता है कि जितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो हम उसमें लगा के उसे उतने के बाद वो चट-चट की आवाज करने लगता है, मतलब उससे ज्यादा टाइट नहीं करता वो। तो इससे सब में फोर्स बराबर लगता है और ओवर टाइट कोई भी नट बोल्ट नहीं होता और वो फंक्शन अच्छी तरह से करता है। अब हम आपको एक इम्पोर्टेंट टूल है, जैसे प्लायर है। जो प्लायर जो होते हैं वो जनरली हर जगह यूज होता है प्लायर का, ये हैंड टूल्स में, ये भी हैंड टूल्स में ही है। तो प्लायर्स जो है हम नॉर्मली घर में भी यूज करते हैं, इसका टेक्नीशियन यूज करते हैं और वर्कशॉप में यूज हर जगह होता है। तो प्लायर जो है ये कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि प्लायर से हम किसी भी, एक तो ये वायर काटने के काम आता है, नॉर्मल जो इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं उससे तार को छीलते भी इसी से, और जब जरूरत पड़ जाती है तो इससे कट भी कर देते हैं, क्योंकि इसके बीच में एक पोर्शन होता है जहां पे एजेज बनी होती हैं, वहां से ये वायर को काट देता है। और जो उससे आगे वाला पोर्शन होता है वहां पे खांचे बने होते हैं, जैसे चूड़ी के लिए निशान से बने होते हैं, जिससे हम किसी चीज को पकड़ के आराम से वो ग्रिपिंग हो जाती है और उसको उससे टाइट भी कर सकते हैं। तो ये टाइट करने का भी काम करता है और वायर कटिंग का भी काम करता है, और इससे इलेक्ट्रिशियन चलती लाइन पर भी कई बार काम कर लेता है, क्योंकि इसका इसका जो हैंडल होता है जो दोनों इंसुलेटेड होते हैं इसके। तो इंसुलेटेड होने की वजह से इसमें बिजली आने का, करंट आने का कोई डर नहीं रहता है। अब ये प्लायर्स हैं, प्लायर्स में जो है कुछ के जो एजेज हैं वो लंबी होती हैं,
कुछ प्लायर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें वायर मोड़ने का भी वो दिया होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये। आपके जो सिलेबस के हिसाब से यही है कि प्लायर क्या है, कैसे फंक्शन करता है। अब इसके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि बेंच वाइस। सबसे पहले तो बेंच वाइस, इसे बेंच वाइस ही क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी वर्कशॉप के अंदर ये वाइस बेंच के ऊपर फिट की जाती है, इसलिए हम इसको बेंच वाइस कहते हैं। और उस बेंच के ऊपर हम इसको पहले फिक्स कर देते हैं, फिर कोई भी जॉब जिसमें हमें कोई ड्रिल करना है, उसमें फाइलिंग करनी है, उसमें ग्राइंडिंग करनी है, वो इसमें, और किसी को हैक्सा से काटना है, मान लो कोई पीस, कोई रॉड काटनी है, कोई पाइप काटना है, तो इससे हम होल्ड करने के बाद, बेंच वाइस में पकड़ने के बाद आसानी से काट सकते हैं। इसलिए बेंच वाइस जो है वर्कशॉप के लिए बहुत यूजफुल चीज है। और आपको इसके बारे में ये मालूम होना चाहिए कि बेंच वाइस कैसे काम करती है। इसमें दो चीज होती हैं, एक फिक्स जॉ होता है इसका, एक मूवेबल जॉ होता है। जो फिक्स जॉ होता है वो फिक्स रहता है, मूवेबल वाला एक पीछे घुमाने के लिए चपनट लगा रहता है, हम उसको धीरे धीरे घुमाते हैं और घुमाने से हमारा जो जॉ है वो खुलता चला जाता है। वो इसलिए करते हैं हम कि कोई छोटा जॉब होता है, कोई बड़ा जॉब होता है, अगर हमारा छोटा जॉब है तो हम उसको टाइट करते जाते हैं, टाइट करते जाते हैं, और इस तरह से उसको नजदीक कर देते हैं, और फिर वो आसानी से जॉब को होल्ड कर लेता है। और अगर बड़ा जॉब है तो उसको घुमा के खोल देते हैं ताकि उनका उनके बीच का गैप बढ़ जाए और वो आसानी से उसमें फिट बैठ जाए, और इसके बाद हम उसको टाइट करके उस पर हमें जो भी काम करना है वो काम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है जो नेक्स्ट चीज है वो है हैंड एक्सा। हैंड एक्सा जो है इससे क्या करते हैं हम कि जो लोहे की चीजें हैं उनको काटने के काम में आती है। मान लो कोई हमें पाइप का एक छोटा पीस काटना है, तो इसका यूज जो है जो प्लम्बर हैं बहुत ज्यादा करते हैं। वैसे तो हर एक वर्कशॉप के अंदर हैंड एक्सा होती है, अवेलेबल होती है, लेकिन इसका प्लम्बर यूज काफी करते हैं, क्योंकि जब भी वो कहीं किसी के घर पे काम करने के लिए जाते हैं तो उन्हें कोई भी लाइन में से जैसे कोई पोर्शन बड़ा हो रहा है तो उसको काटना है, तो वो इससे आसानी से काट सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत सिंपल होता है। इसमें एक फ्रेम होता है और बीच में ब्लेड लगाने के लिए बीच में ब्लेड लगाने के लिए भी इसमें अटैचमेंट होता है, और एक विंग नट लगा रहता है जिसको हम टाइट कर सकते हैं, खोल सकते हैं, जिससे ब्लेड लगाने के टाइम पे, ब्लेड को चेंज करने के टाइम पे जिसकी आवश्यकता पड़ती है, और इस तरह से हम ब्लेड को थोड़ा ज्यादा टाइट, कम टाइट, मीडियम ये भी कर सकते हैं। तो इस मतलब बेंच वाइस के अंदर कोई भी जॉब बांध के हम आसानी से इससे हैंड एक्सा से काट सकते हैं। तो ये जो है, और इसका ब्लेड जो है हाई कार्बन स्टील का होता है, ब्लेड रिप्लेसेबल होता है, जब जरूरत हो, मान लीजिए टूट जाता है ब्लेड या खराब हो जाता है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जो ब्लेड हैं ये भी दो क्वालिटी के आते हैं। एक ब्लेड ऐसा आते हैं जिनके जो है टीथ जो है काफी बड़े होते हैं, दूसरे ब्लेड आते हैं जिनके टीथ जो है काफी बारीक होते हैं, फाइन होते हैं। तो ये दोनों जो बड़े टीथ वाले हैं उनको काटने के, उसमें हमें हमें कोई चीज हॉलो चीज काटनी है, कोई पाइप वैसा काटना है, तब उसे यूज करते हैं। तो इस तरह से जो फाइन टीथ वाले वो ब्लेड हैं ज्यादातर उसी को रखते हैं प्लम्बर, क्योंकि वो दोनों तरह का काम कर जाता है, चाहे पाइप काटना है, रॉड काटना है, हर एक चीज में काम कर जाता है। और इस तरह से जो हैंड एक्सा है इससे हम काटने का काम करते हैं। इसके बाद जो है साथियों, अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं चीजल के बारे में। चीजल का नाम आपने वैसे सुना होगा, आमतौर से जो मिस्त्री काम करते हैं
उसको छेनी भी बोलते हैं। ये जो चीजल है, इस चीजल से हम किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चिप्स वगैरह आया हुआ होता है उसे हैमर की हेल्प से, हैमर ऐसे मारते हैं, हम हैमर से एक एंड पे चोट मारते हैं तो जो सरफेस एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो इससे टूट के उसका पोर्शन निकल जाता है। और आजकल तो फर्श तोड़ने के लिए अलग अलग इसमें प्रेशर वाली मशीन्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन पहले जो है जो चीजल है इसी से वो काम करते थे। अगर कहीं पे थोड़ा पोर्शन तोड़ना है तो हम चीजल रख के उसमें हथौड़े से चोट मारते थे और उससे उतना पोर्शन टूट जाता है। छोटे काम के लिए अभी भी हम इसी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो है चीजल हमारे लिए वर्कशॉप में भी इम्पोर्टेंट है, घर में भी इम्पोर्टेंट है, और जो प्लम्बर है वो भी काफ़ी इसका चीजल का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्क्रू ड्राइवर। अब स्क्रू ड्राइवर क्या चीज़ होती है, यानी किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को हमें टाइट करना है, थोड़ा हल्का खोलना है, तो उसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। और इसमें जो नट होता है, जो बोल्ट होता है, बोल्ट के ऊपर जो नट बना होता है उसमें खांचा बना होता है ताकि स्क्रू ड्राइवर का एक पोर्शन उसमें टच कर जाए, अच्छे से बैठ जाए, और फिर हम फोर्स लगा के इसको टाइट कर देते हैं। होता क्या है, इसमें एक पकड़ने के लिए हैंडल होता है, बीच वाला पोर्शन होता है, और एक पोर्शन बिल्कुल चपटा होता है, यानी जहाँ पे अगर छोटा सा भी ग्रूव बना हुआ है उसमें भी वो प्लेन होता है तो फिट बैठ जाता है। और टेस्टर जो होता है बिजली का की लाइन को हम चेक करते हैं, उसमें भी जो आगे का पोर्शन होता है हम छोटी चीजें उससे भी टाइट कर देते हैं, खोल भी लेते हैं, टाइट भी कर देते हैं, तो वो स्क्रू ड्राइवर का भी काम कर जाता है। और ये स्क्रू ड्राइवर जो है कई तरह के होते हैं, जैसे एक फिलिप हेड स्क्रू होते हैं, फिलिप हेड स्क्रू के लिए यानी अलग तरह का स्क्रू ड्राइवर होता है जिसमें इस तरह से चार ग्रूव बने होते हैं, और इसी तरह के जो बोल्ट है उसके ऊपर का जो हेड है उसमें बने होते हैं स्क्रू ग्रूव बने होते हैं, तो वो फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर होता है, उसमें आराम से बैठ जाता है और उससे हम आराम से टाइट कर सकते हैं। यानी फोर्स लगाने के लिए इसमें हो गया एक जगह हैंडल हो गया, बीच वाला पोर्शन हो गया, तो जो हम पकड़ते हैं वो हैंडल से पकड़ते हैं, और टाइट करने के लिए आगे का पोर्शन हो गया जो फ्लैट होता है, या स्क्रू यानी जिस तरह के स्क्रू जैसे जैसे हैं जो बनावट है उसके अकॉर्डिंगली, तो ये पतले भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कई हैवी काम करने के लिए स्क्रू ड्राइवर जो बनाए जाते हैं काफ़ी हैवी बनाए जाते हैं ताकि बड़े जॉब को उसकी हेल्प से कसा जा सके। एक होती हैं एडजस्टेबल रिंचेज। एडजस्टेबल जो रिंचेज हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है वो प्लम्बर करते हैं, वर्कशॉप में भी होता है लेकिन वर्कशॉप में इतना ज़्यादा नहीं होता। इसका एडजस्टेबल रिंचेज का यूज़ प्लम्बर करते हैं, क्योंकि जैसे कि कहीं पर भी वो काम करने के लिए जाते हैं उन्हें कोई पाइप की लाइन पकड़नी है, वो लाइन में वो घूम रही है और उसमें दूसरा सॉकेट उन्होंने टाइट करना है, तो जो नॉर्मल रिंच है उसमें उसको वो लगाएंगे तो उससे नहीं रुकेगा, लेकिन ये एडजस्टेबल होती है तो इसको किसी भी राउंड पाइप में लगा सकते हैं, किसी भी नट बोल्ट को टाइट कर सकते हैं, तो इसको इसमें एडजस्ट करने का होता है प्रोविजन कि खोल के इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और जिस साइज का हमें टाइट करना है उस टाइप का। और ये साइज में भी इसके छोटे बड़े अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े नट बोल्ट्स के लिए यूज होते हैं, कुछ छोटे साइज के लिए यूज होते हैं। तो इस तरह से ये जो है जो रिंचेज हैं इनका काफ़ी इसमें प्रयोग होता है। इसके बाद है हैमर्स। जो हैमर हैं, हैमर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और किसी भी चीज़ को, किसी भी सरफेस को ठोकना है, पीटना है, सीधा करना है, इन सब कामों के लिए यूज करने वाली चीज़ को हम हैमर कहते हैं। और चीजल में भी जैसे हम कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हैमर चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर वाले पोर्शन पर चोट लगानी है और उस चोट लगाने के बाद ही उससे हम काम कर पाएंगे। तो इसलिए
अब हैमर जो है ये काम के हिसाब से अलग अलग टाइप के भी होते हैं। यानी एक हैमर है जिसे बॉल पेन हैमर कहते हैं, इसमें नीचे का जो पोर्शन है बिल्कुल फ्लैट होता है, ऊपर का पोर्शन थोड़ा राउंड जैसा होता है, गोला गोलाकार जैसा होता है। ये हैमर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अगर किसी चीज को हमने ठोकना है, किसी चीज को हमने उसको फ्लैट करना है। ज्यादातर हमारे घरों में इस तरह के हैमर मिलते हैं, वर्कशॉप में भी इस टाइप के ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि हमें कोई चीज, अगर कोई चीज राउंड है उसको ठोकना है तो राउंड वाले पोर्शन को यूज कर लेते हैं, और अगर हमें फ्लैट वाले पोर्शन की जरूरत है तो हम फ्लैट को यूज कर लेते हैं। ये अलग अलग वेट के भी होते हैं, यानी हल्के भी होते हैं ये, भारी भी होते हैं। और जो हैमर है, जो फोर्ज शॉप होती है जहां पे बहुत फोर्जिंग का बहुत हैवी काम होता है, वहां पे भी हैमर यूज होते हैं। यानी किसी भी चीज को उसके अकॉर्डिंग शेप देने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड चीज चाहिए, हैमर का यूज किया जाता है। और कारपेंटर के पास जो हैमर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि उसमें बीच में जो है एक पोर्शन बना रहता है, जिससे कि वो कोई भी कील अगर उन्होंने लगा दी है, गाड़ दी है, तो उसको आराम से उससे खींच सकते हैं। तो कारपेंटर के लिए वो यूज होते हैं, कारपेंटर उनको यूज करता है। यानी उन्हीं का एक सिरा ठोकने के काम आता है, और जो दूसरा सिरा बना होता है वो उसको कोई चीज गलत लग जाती है उसको उखाड़ने के काम आता है, तो उसको बार बार प्लायर व्लायर इसकी जरूरत नहीं होती, वो उसी हैमर से ही खींच के निकाल देता है। इसके बाद है स्निप्स। स्निप्स क्या होते हैं, मान लो हमारी शीट है, तो शीट जो है अगर हमें शीट की काटने की जरूरत पड़ती है तो फैक्ट्री के अंदर तो शीट कटर होता है, उससे कट जाती है शीट, कटर पे लगाओ धड़ाधड़ काट दो अपना, बिजली की मोटर चालू करके, कटर को चालू करके और काटते चले जाओ। बट अगर हमें कोई छोटा काम करना है, कोई हमें घर पे सीट काटनी है, हमें वर्कशॉप में काटनी है जहां पे हमारी कटर की सुविधा नहीं है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, स्निप्स को यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हम पहले मार्किंग कर लेते हैं, और मार्किंग करने के बाद हम हाथ से इसके हैंडल को दोनों सिरे होते हैं इसके दबाते जाते हैं, बीच में स्प्रिंग लगा होता है, और इससे काटते हैं तो सीट आराम से कट जाती है, क्योंकि इनकी इसकी जो एजेज होती हैं वो दोनों काफी शार्प होती हैं। तो ये शीट को, एल्युमिनियम शीट को, और इसका ज्यादातर यूज जो है जो बक्से बनाते हैं, जो शीट वाले बॉक्स बनाते हैं, वो इसका काफी यूज करते हैं। इसके बाद साथियों, मैं आपको बता रहा हूं मैलेट के बारे में। मैलेट जो है, जैसे हैमर होता है ऐसे ही मैलेट होता है, लेकिन ये बना होता है वुड का, लकड़ी का बना होता है, और इसमें एक हैंडल होता है, और इसका जो पोर्शन है काफी चौड़ा होता है आगे वाला, और बीच में होल होके उसमें हैंडल फिट कर दिया जाता है। इसका प्रयोग जो हमारी शीट है, यानी बक्से बनाने वाली शीट है या दूसरी शीट है, अगर किसी कारण से वो शीट मुड़ गई है, अब उसको सीधा करना है, बिल्कुल फ्लैट करना है, उसके लिए हम मैलेट का यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे हैमर से इसको ठीक करेंगे तो उस पर क्या होगा, निशान आ जाएंगे शीट के ऊपर, वो प्लेन नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और एक चीज और है कि हैमर के अंदर ही एक हैमर इस तरह के भी होते हैं कि जिनमें हम प्लास्टिक के पार्ट्स लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें कोई चीज ऐसी, मान लो ठोकनी है या सीधी करनी है जिस पर निशान नहीं चाहिए, जिस पर हल्की हल्की चोट चाहिए, हल्का फोर्स चाहिए, उससे हम आराम से सेट कर सकते हैं। अब आपको जो ग्रीस गन के बारे में बता रहा हूं, वो भी हैंड टूल का एक पार्ट्स है, कि जो ग्रीस गन होती है, हम नॉर्मली ग्रीस हाथ से भर देते हैं, जिन एरियाओं में हमारा हाथ आराम से पहुंच जाता है वहां पे उसका उसकी कैप खोलते हैं और उसमें हाथ से ग्रीस लगा देते हैं। बट कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिन पे ग्रीस हाथ से पहुंच ही नहीं सकता,
वहां पे हम ग्रीस गन का यूज करते हैं। अब ग्रीस गन, ये जो ग्रीस गन होती है, इसमें क्या होता है कि एक एक्सटेंडेड पोर्शन लगाने के लिए होता है आगे, जितना लंबा हमें ग्रीस को जहां भेजना है, और इसमें एक पूरा जैसे पिचकारी होती है उसके अंदर मेटेरियल भर लेते हैं, ऐसे ही उसके अंदर ग्रीस भर दिया जाता है। और ग्रीस भरने के बाद जहां पे हमें लगाना है, ग्रीस को डालना है, वहां पे आगे वाले पोर्शन को रख के फिर हम पीछे वाले पोर्शन को इसको दबाते हैं। पीछे वाले पोर्शन दबाने से ग्रीस उसके अंदर चला जाता है, और जितनी रिक्वायर्ड ग्रीस चाहिए उतना करने के बाद हम बंद कर देते हैं। तो ये जो है, जो ग्रीस गन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक वर्कशॉप में, हर एक सर्विस स्टेशन में ये ग्रीस गन होती है, और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। 500-600 रुपीज की एक ग्रीस गन आ जाती है। लेकिन ऐसी जगहों पर जो कि नीचे हैं, जहां पे हमारा हाथ पहुंचना मुश्किल है, वहां पे भी हम इससे ग्रीस आसानी से भर सकते हैं। साथियों, मैं आपको नेक्स्ट चीज बता रहा हूं, यानी ग्राइंडिंग मशीन। जो ग्राइंडिंग मशीन होती है, ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग जो है, किसी भी सरफेस को ग्राइंड करके स्मूथ बनाना है, और उसको उसकी फिनिश इतनी अच्छी, फाइन फिनिश करने के काम आता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो एब्रेसिव व्हील लगे होते हैं, जैसे ग्राइंड नॉटवेल ग्राइंड कंपनी बनाती है एब्रेसिव व्हील, एक होता है कोर्स और दूसरा होता है फाइन। कोर्स का मतलब होता है जिसके कण जो है मोटे होते हैं। कोई भी चीज हमें ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले कोर्स वाले से ग्राइंड करते हैं। जब उसके ऊपर का सरफेस खुरदरा होता है या कोई चीज हटानी होती है, तो पहले कोर्स वाले से ग्राइंड करते हैं, फिर इसके बाद हम फाइन वाले से ग्राइंड करते हैं। और जो ग्राइंडिंग मशीन है, ये जो है हमारे काफी यूज में है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्री हैं, जितनी भी वर्कशॉप हैं, हर जगह कुछ न कुछ चीज ग्राइंड करने का हमें काम हर समय पड़ता ही रहता है। जैसे मान लो एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट में फॉर एग्जाम्पल, उस शाफ्ट में हमें वो थोड़ी सी कट गई है, अब हमने उसको वेल्डिंग कर दिया। उस पोर्शन को वेल्डिंग को कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन वो चिकना पोर्शन नहीं हो सकता, तो उसके लिए अब हमें क्या चाहिए, ग्राइंडिंग चाहिए। वो हम इससे ग्राइंड कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि आंखों के बचाव के लिए हमें एक पूरा चश्मा टाइप का ही होता है, वो पहनना पड़ता है, ग्लास टाइप का होता है जो कि पूरा हमारा फेस कवर कर लेता है, उसको पहनते हैं हम। और इसके ऊपर सेफ्टी कवर भी लगा होता है कि जो जैसे ग्राइंडर जब चलता है तो आपने देखा होगा उसमें हल्की हल्की चिरगारी सी उत्पन्न हो जाती है, वो कहीं आपकी आंख को कहीं इफेक्ट कर दे, तो इसके लिए इसमें सेफ्टी के लिए लगा रहता है सेफ्टी कवर। अब ग्राइंडिंग करने के टाइम पे कुछ ग्राइंडिंग के कण भी निकलते हैं, वो भी ऊपर न चले जाएं, वो सेफ्टी गार्ड के कारण रुक जाते हैं, आपके पास नहीं पहुंचते, वो दूसरी साइड को, आपके जस्ट अपोजिट साइड को जाते रहते हैं। इसकी बनावट, इसके चलने का प्रोसेस इस तरह का बना होता है कि वो चीजें आपकी तरफ नहीं आएंगी, वो सीधा दूसरी साइड को जाएंगी। अब साथियों, मैं आपको बताता हूं ड्रिल बिट्स के बारे में। जो हमारी ड्रिल मशीन होती है, उस मशीन में डिफरेंट साइज के ड्रिल बिट्स यूज होते हैं। कभी हमें छोटा ड्रिल होल करना होता है, कभी हमें बड़े साइज का होल करना होता है। तो ये छोटे बड़े साइज जितने होते हैं, इसमें अलग अलग साइज के ड्रिल अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। अब ये ड्रिल हैं जो कारपेंटर के ड्रिल अलग होते हैं। कारपेंटर के ड्रिल में जो कटिंग मटेरियल निकलता है उसको निकालने के लिए उसमें ग्रूव नहीं बने होते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे ड्रिल करते चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे ड्रिल मशीन शॉप में यूज होते हैं, जो हम किसी से लोहे की चीजें या किसी और चीज में हमें ड्रिल करना होता है, उसके लिए उसमें पूरा एक इस तरह की कैविटी बनी होती है कि मटेरियल कटता है और धीरे धीरे उनके साइडों से ऊपर निकलता हुआ चला जाता है। इसके लिए हम जो एक पंप के द्वारा वाटर फ्लूड भी चलाते हैं, ताकि जिससे हमारे ड्रिल का लाइफ बढ़ जाए और जो कटिंग एज है हमारी ड्रिल की वो खराब ना हो, क्योंकि
उसके लिए वो अटैचमेंट भी करके रखते हैं। तो ये जो है, और ये ड्रिल बिट हम जिस जिस तरह की हमें साइज की जरूरत पड़ती जाती है हम उनको यूज करते हैं। अगर हमारे ड्रिल में कुछ समय के बाद ड्रिल जो है अच्छा काटना यानी कम काटना शुरू कर देता है, तो उस टाइम पे हम इसको ग्राइंड करके इसके ऊपर धार भी लगा देते हैं, जिससे ये होता है कि हमारा ड्रिल जो है पहले पहले की तरह ही अच्छी परफॉर्मेंस देने लग जाता है। नेक्स्ट चीज है जिसके बारे में बता रहा हूं, पंच। जैसा कि नाम से है, ये पंच जो है किसी भी चीज के ऊपर मार्किंग करने के काम आते हैं। यानी अगर हमने कोई चीज बनानी है तो हम उसका साइज मेजर करके पंच के द्वारा हम उस पर मार्किंग कर देते हैं। इसको हैमर से ठोकते हैं और ये पूरा निशान बनाता हुआ चला जाता है, और ये निशान ऐसे बन जाते हैं कि वो फिर हटते नहीं हैं। आप वहां पे आसानी से उसको देख के पंच के सीध पे आप कटिंग कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज पे लेटर पंच करने होते हैं, जैसे हम हमारी डाइज होती हैं टूल रूम के अंदर, बहुत सारी डाई होती हैं, उन पर हमें नंबरिंग करनी होती है, वो भी हमें पंच के द्वारा ही करनी होती है। पंच से हम हैमर से जब उस पर चोट लगाते हैं तो उसके ऊपर मार्किंग आ जाती है, उस पर जो लिखा हुआ है वो आ जाता है। तो इसके लिए हमारे लिए ये भी उस हिसाब से भी बहुत उपयोगी है पंच जो है। और ये अलग अलग साइजेस के होते हैं, छोटे बड़े, जैसे भी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं व्हील रिंच। जो हमारी कार का व्हील है इसको खोलने के लिए हम एक रिंच यूज करते हैं, उसको हम व्हील रिंच कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आगे का जो पोर्शन होता है वो हम व्हील के अंदर जो नट लगा रहता है उसमें फंसा देते हैं, और खोलने के लिए एक सीधी रॉड जिसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है हम उसको डाल देते हैं, जो इसका आई होल होता है उसके अंदर, और उसके द्वारा फिर हम इसको खोलने के लिए या टाइट करने के लिए घुमाते हैं, क्योंकि रॉड लंबी होती है तो उससे फोर्स बहुत अच्छा लग जाता है। यानी जब भी हमारी हमें गाड़ी की स्टेपनी चेंज करनी होती है तो सबसे पहले हम जैक लगाते हैं, जैक लगाने के बाद व्हील को ऊपर उठा देते हैं, और इसके बाद फिर हम जो उसके बोल्ट होते हैं उनको एक एक करके खोल देते हैं। साथ ही ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो है व्हील रिंच की जगह हम दूसरी रिंच का अगर उपयोग करेंगे वहां पे वो रिंच काम नहीं कर पाएगी। दूसरा, हम इतना दूसरी नॉर्मल रिंच में इतना फोर्स भी नहीं लगा पाएंगे, तो इस कारण से हम इसका यूज उपयोग करते हैं। और सबसे जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि टूल बॉक्स के बारे में, वर्कशॉप के अंदर सर्विस स्टेशन के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स आप यूज करते हैं। इन टूल्स को अगर आप यूज करने के बाद शाम को ऐसे ही फेंक के चले जाएंगे, ऐसे ही किसी चीज में भर के चले जाएंगे, तो जब आपको सुबह इनकी जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए तो इनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस चीज से बचने के लिए हम हर एक को टूल बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, हर एक वर्कशॉप जो है टूल बॉक्स देती है। इसमें क्या होता है कि इसमें कई खांचे बने होते हैं डिफरेंट साइजेस के टूल्स को रखने के लिए, उसमें प्रोविजन होता है। उसमें आप अलग अलग साइजेस के टूल्स, अलग अलग साइज के स्पेनर, हैमर, सारी चीजों को एक प्रॉपर प्लेस पे रख सकते हैं, और प्रॉपर प्लेस पे रखने के बाद आप आराम से अगले दिन जब आएंगे तो टूल बॉक्स से आपको आसानी से चीजें मिल जाएंगी, और आपकी चीज कोई इधर उधर भी गायब नहीं होगी। जाने के टाइम अपना इसमें एक लॉक लगा दो और अपने टूल बॉक्स में सारा सामान रखने के बाद आपका सारा सामान सेफ रहेगा। तो इसलिए आपके लिए टूल बॉक्स बहुत जरूरी चीज है। तो इस तरह से
साथियों, आज मैंने आपको वर्कशॉप के अंदर यूज होने वाले डिफरेंट टाइप्स के हैंड टूल्स के बारे में बताया। मुझे आशा है कि आपको हैंड टूल्स के बारे में समझ आया होगा। यदि आपको हैंड टूल्स के बारे में समझ आया है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। और साथियों, मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अमूल्य सुझाव जरूर दें ताकि मैं दूसरे वीडियो बनाने में आपके सुझाव का ध्यान रख सकूं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे प्रकार के टूल्स के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।